फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। विधानसभा चुनाव आते ही यूपी में जोर तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। आज बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के कई विधायक लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी के 2, सपा के 3 और कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक शामिल हुए हैं। अब तक जिनके नाम सामने आए हैं उनमें कांग्रेस के संजय जायसवाल, शेर बहादुर विजय, बसपा के राजेश त्रिपाठी, बाला प्रसाद अवस्थी और सपा के रामपाल यादव है। बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले ज्यादातर विधायकों पर पहले ही से बागी का थप्पा लगा हुआ है। इसमें कई ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी पार्टियां पहले ही दरकिनार कर चुकी है। केंद्र सरकार पर राज्यों के साथ भेदभाव और बजट आवंटन में पक्षपात बरतने जाने का आरोप लगाते हुए आज उत्तर प्रदेश के सांसदों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। इस दौरान कई दूसरे राज्यों के सांसद भी यही आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो गए, जिसके चलते राज्यसभा को कई बार स्थगित करना पड़ा। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का मुद्दा भी संसद में गूंजा। सरकार और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर जमकर बहस की। उधर वेंकैया नायडू ने निशाना साधते हुए कहा कि तिलक तराजू और तलवार को जूते मारने वाली पार्टी हमें नसीहत ना दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोरक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। बताया जाता है कि विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले पूरे देश भर में 5,000 सम्मेलन आयोजित कराए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में गोरक्षा पर एक रैली भी विश्व हिंदू परिषद आयोजित कराएगा। पूरे देश में ये सम्मेलन जन्माष्टमी के बाद होंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा था कि ये सभी फर्जी गोरक्षक हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों की तरह 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन के लिए हरियाणा और पंजाब के सरकारी कर्मचारियों का इंतजार लंबा हो सकता है। मोदी सरकार जुलाई में ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को इसका फायदा देने के बजाय एक कमेटी बना दी है जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। उधर पंजाब सरकार ने इसी साल फरवरी में 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। पंजाब सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने पर असमर्थता जता दी थी। कश्मीर घाटी में पिछले करीब 1 माह से जारी हिंसा और तनाव के मद्देनजर आज लगातार 34वें दिन भी कई इलाकों में कर्फ्यू और प्रतिबंध लगा है। दूसरी तरफ अलगावादियों की ओर से बुलाया गया बंद भी जारी है, जिसे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इस बीच अलगावादी मीरवाइज उमर फारूक को हिरासत में लिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलवामा, कुलगाम, शोपिया और अनंतनाग कस्बों में आज प्रतिबंध जारी रहेगा। श्रीनगर शहर, सोपोर, बारामुल्ला, हंदवाड़ा, त्रेगाम, कुपवाड़ा, बड़गाम और गंदेरबल कस्बों के 8 पुलिस थानों में भी इसी तरह के प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालांकि श्रीनगर समेत घाटी के कई अन्य बड़े कस्बों में कुछ निजी वाहन सड़कों पर देखे गए थे। लोगों की पैदल आवाजाही भी देखी गई। पिछले 5 दिनों में चीनी के दाम में 6 रुपए प्रति किलो तक की वृद्धि ने सरकार की नींद उड़ा दी है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 अगस्त को चीनी 36 रुपए प्रति किलो थी, जबकि बुधवार को कीमत 42 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। सरकार को डर है कि कीमत पर जल्द अंकुश ना लगाया गया तो त्योहार में चीनी और महंगाई हो सकती है। इस बीच चीनी की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बाजार नियामक सेबी को इसके वादा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। इस साल चीनी की उत्पादन भी करीब 7% कम रहने का अनुमान है। साथ ही सरकार चीनी पर लगने वाले 44% आयात शुल्क भी घटाकर 25% करने पर भी विचार कर रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यूपीए सरकार के डाटा मैनेजमेंट और जीएसटी में हिस्सेदारी का हिसाब किताब एक निजी कंपनी को सौंपने के फैसले की समीक्षा करने की अपील की है। यूपीए सरकार ने टैक्स कलेक्शन पर नियंत्रण के लिए गुड्स और सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN बनाया था, जिसका जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। स्वामी ने इस पत्र में कहा है कि इस संवेदनशील काम को प्राइवेट कंपनी को सौंपकर पिछली सरकार ने बड़ी चालाकी से काम लिया। GSTN एक गैर सरकारी कंपनी है जिसे केंद्र और राज्यों में स्थापित किया गया है। ये कंपनी इसलिए बनाई गई है ताकि केंद्र व राज्य सरकारों, करदाताओं व अन्य भागीदारों को साझा IT बुनियादी ढांचा व सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके।
पाकिस्तान के क्वेटा में स्थित अल खैर अस्पताल के पास आज जोर का धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बचाव दल के लोगों का कहना है कि बलूचिस्तान की प्रांतीय राजधानी क्वेटा में हुआ ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए। हालांकि पुलिस धमाके से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर धमाके से जुड़े सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। राहत और बचाव दल ने घायलों को अस्पताल में ले जाने का काम भी शुरू कर दिया है। इससे पहले सोमवार को क्वेटा में ही सिविल अस्पताल में हुए धमाके में तकरीबन 100 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर वकील और पत्रकार थे। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के बैंक अकाउंट्स में पिछले 3 सालों में 3 अलग-अलग देशों से 60 करोड़ रुपए आए हैं। नाइक के परिवार के सदस्यों से जुड़े 5 बैंक खातों में ये रकम जमा की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि हम अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये रकम किस मकसद से जमा की गई है। हमने जांच की और इस लेन देन का पता लगाया। अधिकारी ने साफ किया कि ये बैंक खाते नाइक के एनजीओ से जुड़े नहीं हैं, बल्कि उसके अपने हैं। हालांकि इस सिलसिले में IRF के दूसरे अधिकारियों से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटाने की मांग लेकर लगभग 16 सालों तक संघर्ष करने वाली इरोम शर्मिला अब समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहती है। उनका कहना है कि अगर लोग उन्हें राजनेता के रूप में खारिज कर देंगे तो वे शादी कर लेंगी। शर्मिला ने हाल ही में अपना अनशन तोड़ने की घोषणा के साथ ही ये भी कहा था कि वे अगले साल मणिपुर में होने वाले चुनाव में उतरेंगी और शादी भी करेंगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शर्मिला ने कल कहा कि वे अपने निजी जीवन पर तब ध्यान देंगी जब लोग उन्हें नेता के रूप में नकार देंगे, जिसके बाद जिंदगी का नया अध्याय शुरू करते हुए वे शादी कर लेंगी। JNIMS अस्पताल में भर्ती शर्मिला ने बुधवार को हॉलिक्स के साथ सूप भी पिया। हालांकि उन्होंने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वे अस्पताल से निकलकर कहां जाएंगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर बना पुल ढह जाने से पानी में बही 2 बसों का मलबा नदी से निकाल लिया गया है। नेवी टीम ने नदी से बसों का मलबा निकाला है। नदी से अब तक 26 शव निकाले जा चुके हैं। महाड़ पुल ढहने से 2 बसें और 2 कारें 2 अगस्त को लापता हो गई थी। बसों का मलबा पुल से लगभग 170 और 200 मीटर की गहराई में मिला है। महाराष्ट्र के महाड़ में एडिशनल SP संजय पाटिल ने बताया कि पिछले 8 दिनों से नदी में गिरी बसों को खोजने का काम जारी था। नेवी टीम ने आखिरकार बसों का मलबा ढूंढ निकाला है। डीजल से चलने वाले इंजन वाली रेलगाड़ियों की जगह भारतीय रेलवे जल्द ही तेज रफ्तार से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों को पटरियों पर उतारने जा रही है। रेलवे ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है और छोटे रूटों पर डीजल इंजनों की जगह इलेक्ट्रिक MEMU ट्रेन उतारने शुरू कर देगी। इसका उद्देश्य ट्रेनों की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने और डीजल से फैल रहे प्रदूषण को कम करना है। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करने से ईंधन पर होने वाले खर्च पर कटौती होगी, क्योंकि बिजली सस्ती पड़ती है। ये पहल मिशन रफ्तार का हिस्सा है, जिसका ऐलान रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस साल रेल बजट में किया था। अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि IS की स्थापना में ओबामा का हाथ है। मध्य पूर्व से लेकर यूरोपियन शहरों में IS का खौफ ओबामा की बदौलत ही है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को उनके पूरे नाम बराक हुसैन ओबामा से संबोधित किया। फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि IS का संस्थापक कोई और नहीं, ओबामा ही है। उन्होंने कहा कि हिलेरी क्लिंटन IS की सह संस्थापक है। राष्ट्रपति ओबामा के घोर विरोधी डोनाल्ड ने उन पर पहले भी कई आरोप लगाए हैं। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो TV से। नमस्कार।